अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनोसलवा, जिसमें आज बना रही हूँ तुर्किश सुजुक कबाब। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा जी, तुर्किश सुजुक कबाब बनाने के लिए हमें कीमे रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पर 800 ग्राम है। ठीक है, 800 ग्राम मेरे पास यहाँ पे बीफ है, बीफ का कीमा है मेरे पास, जो कि मेरे बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। हमें बिल्कुल बारीक और ड्राई कीमा चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और ये बारीक होना चाहिए। ठीक है, 800 ग्राम मेरे पास बीफ मिंस है, इसे ऐड करेंगे मिक्सिंग बाउल में और उसके साथ ही इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास एक अदद बड़ी प्याज है, इसको मैंने ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद मैंने उसी तरह का सारा पानी निकाल दिया, इसको निचोड़ के सारा पानी लाजमी निकाली। ठीक है, ये ग्रेट की प्याज है, ये ऐड कर देंगे। चार अदद गार्लिक क्लोव्स है मेरे पास, को भी मैंने ग्रेट किया हुआ है, ये ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है, इसे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसे ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया ऑप्शनल है, डालना चाहें तो मत डालिएगा। ठीक है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। चलिए जी, देखिए सीखे रेडी हो चुकी है मैं। ठीक है, मैंने सीखों पे लगा दिया है, इसको हम फ्राई करते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसे आप कोयले भी बना सकते हैं, बट मैं इसे तवे पे फ्राई करूँगी। चलिए इसको फ्राई करते हैं। चलिए जी, देख कबाबों को मैंने फ्राई करने रख दिया था। मैंने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसको मैंने पकने रख दिया। एक साइड इसकी पक चुकी है, उसको टर्न कर दिया है। अब इसे सेकेंड साइड पक जाएगी तो मैं इसको फिर निकाल लूँगी। चलें जी, कबाब रेडी हो चुका है, उसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब उसी पैन में, सेम उसी पैन के अंदर क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पर चंद हरी मिर्चें हैं, मैं इसे डाल दूँगी। एक अदद प्याज की स्लाइस है, इसे डाल देंगे। टमाटर भी सब हल्का सा कैरमलाइज करना है इसमें। जैसे ही कैरमलाइज हो जाएंगे मैं इसको भी निकाल लूँगी। चलिए जी, हमारे तुर्किश सुजुक कबाब रेडी हो चुके हैं, इसको मैंने सर्व कर दिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप कि आप लोग पसंद आएगा। मुझे दुआ में रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।